आज इंदौर में भूमाफियाओं का जाल इंदौर में दिन प्रतिदिन पनप रहा है। ऐसा ही एक मामला स्वर्णबाग कॉलोनी खस्सा नंबर 116 खजराना की खुली जमीन 65,000 स्क्वायर फीट जो कि लीलाबाई शकुंतलाबाई की निजी भूमि है, जिसको नरेंद्र जाट ने नियमानुसार रजिस्ट्री गाइडलाइन के साथ कराई है। उसके बाद भी भूमाफिया गुंडों के बल पर कुलभूषण कुकी जमीन पर अवैध रूप से दीवार बनाकर कब्जा करने जा रहा है, जबकि उक्त जमीन पुश्तैनी लीलाबाई और उनके परिवार की शासकीय रिकॉर्ड में बरसों से दिखाई दे रही है। उसके बाद भी क्षेत्रीय तहसीलदार पटवारी द्वारा भूमाफिया से बड़े रकम लेकर नक्शे में बार बार फेरबदल कर रहे हैं। शिकायतकर्ता जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी बात रखते नजर आए और आरोप लगाया कि मेरी जमीन की जांच कर तुरंत मुझे कब्जा दिलाया जाए, गुंडों से बचाया जाए, उन पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो। जमीन मालिक नरेंद्र जाट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय तुरंत गंभीरता से जांच कराएं, भूमाफिया कुलभूषण कुकी उसके गुंडों पर तुरंत कार्यवाही की जाए, अन्यथा मुझे मुख्यमंत्री के समक्ष भोपाल जाकर मजबूरन धरना देना पड़ेगा। क्या मामला था आपका? मैंने लीलाबाई शकुंतलाबाई से जमीन खरीदी थी नियम अनुसार और रजिस्ट्री करवाई थी। पहले जमीन खाली थी पर अभी कुलभूषण कुकी, मुश्ताक लंगड़ा और बबू शबू ने उस पर कब्जा कर लिया और मैंने नियम अनुसार खरीदी थी और उन्होंने अब दस्तावेज में, सरकारी दस्तावेज में फेरबदल किए। पहले नक्शा पूरा खाली दिखाई दे रहा था, उन्होंने अब नक्शा पूरा उनके इसमें 608 में कर लिया। इसकी शिकायत आपने की? हाँ, इसकी शिकायत मैंने जनसुनवाई में की है और जनसुनवाई में अभी इसका मामला चल रहा है, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है। प्रशासन से आपको क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन से यही आश्वासन दिया गया था, बोले हम आपके साथ हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी जमीन पर किसके द्वारा कब्जा किया गया? कुलभूषण मित्तल, मुश्ताक लंगड़ा और बब्बू और शब्बू, उनके द्वारा। जब आप उनके साथी हैं, जब आपने आपकी जमीन के लिए गए तो उनके द्वारा कोई धमकी या कुछ किस प्रकार को? गोली मारने की धमकी दी गई है। किसके द्वारा उनकी धमकी दी गई है? बोले कि तुम्हारा इधर है क्या, तुम बार बार इस प्लाट पे आते क्यों और इधर आओगे तो गोली मार दी जाएगी। किसने दी आपको ये धमकी? मैं उनको ऐसे चेहरे से नहीं पहचानता। वहाँ पे अभी भी मैं एक बार गया था तो 15-20 लड़के खड़े थे। आपका परिचय? नरेंद्र जाट।